जो यहाँ लोग रहते हैं सच में जन्नत में ही रहते हैं, बिल्कुल जन्नत है। एक ही चीज बोलूंगा यार, वन लाइफ, मजा मा लाइफ। इससे अंदाजा लगा लो बर्फ कितनी नीचे है, पूरा पैर मेरा नीचे चला गया है। Shot me through the heart, casting dice and roulette. गुड मॉर्निंग घुमकड़ो, एक और दिन की शुरुआत आप लोगों के साथ। मैं हूं अभी श्रीनगर में और मैं जाने वाला हूं आज सोनमर्ग, और न्यूज़ के हिसाब से वहां पर आज स्नोफॉल हमें मिलने वाला है। तो देखते हैं जाकर स्नोफॉल मिलता है नहीं मिलता। लास्ट टू डेज तो मुझे यहां पर बारिश मिली, लेकिन अब स्नोफॉल मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। और हमारे दिन की शुरुआत ना अनहेल्दी खाने से हो रही है रोज़, क्योंकि यहां पर कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है, बस भटूरे छोले इसी तरह का कुछ कुछ मिल रहा है। लेकिन थोड़ी एनर्जी भी ज़रूरी है, और इसको कोशिश करेंगे कि आज वॉकिंग कर इसको बिल्कुल कैलोरीज बर्न कर लें, बाकी घर जाकर एक्सरसाइज कर लेंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप के सब मेरी तरह बड़े होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और यार खुश ही रहना चाहिए, क्योंकि खुश रहने से हेल्थ ठीक रहती है। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक ही फैसला लकी फैसला पर। आइए खाइए, अनहेल्दी चीज़ ना सारी टेस्ट की होती है। और दिल्ली वालों के लिए तो छोले भटूरे, बस वो वाले छोले भटूरे तो नहीं मिलेंगे दिल्ली वाले, लेकिन फेवरेट होते हैं दिल्ली वाले के छोले भटूरे। गुड मॉर्निंग। So many years has gone by, but I think about you all the time. अभी हम सोनमर्ग के लिए जा रहे हैं, जो श्रीनगर से 100 किलोमीटर की दूरी पे वाका है। और रास्ते में हमारा राइट साइड में एक रिवर आता है जिसका नाम है सिंध रिवर। सिंध रिवर। Looks like you're changing and all, but why didn't you call? Something in the सच में यार किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा है, इतना प्यारा और सुंदर नज़ारा लग रहा है। ड्राइवर ने कहा आप यहाँ रुको 5 मिनट और ये व्यू देखो, क्योंकि यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है। और सच में बहुत ही अच्छा, नीचे से रिवर जा रही है, सामने गांव है छोटे छोटे, उस पर घर दिख रहे हैं, और ऊपर देखोगे आप जो पहाड़ हैं ऊपर ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर पर स्नो है और बादल बिल्कुल नीचे साफ क्लियर दिख रहे हैं। तो इतना प्यारा इतना सुंदर नज़ारा लग रहा है। वैसे यही रोड है जो लेह की तरफ जाती है, जो कि श्रीनगर से अराउंड 400 किलोमीटर है, और इसी रोड से आप लेह भी जा सकते हैं। और जो ये रिवर है ये अमरनाथ से आ रही है, मतलब काफ़ी अच्छा और सुंदर नज़ारा। और जितनी भी अच्छी चीज़ है इंडिया में, लेह लद्दाख हो गया, अमरनाथ, श्रीनगर, जो कश्मीर में, ये सब कुछ ये वाकई देखने लायक है। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो ये चीज़ ज़रूर आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए, मतलब सबसे पहले आपको कश्मीर एक्सप्लोर करना ही चाहिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ड्राइवर ने तो 5 मिनट बोला है, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है यहाँ से कि 15-20 मिनट में जाऊँ भी यहाँ से। सामने जो विलेज है, छोटे छोटे घर, इतना प्यारा और इतना सुंदर लग रहे हैं ना, जो यहाँ लोग रहते हैं सच में जन्नत में ही रहते हैं, बिल्कुल जन्नत है। और शांति इतनी है, मज़ा ही आ गया रुक कर। एक तो ये मौसम, ऊपर से ये जगह। मार्च तक हमारी गाड़ी खाली गगनगिर तक ही आती है, जब सोनमर्ग जाना पड़ता है। और सोनमर्ग और गगनगिर से आगे गाड़ी चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि बर्फ़ इतना होता है कि रोड पे शीशा बना होता है, जिसके कारण हमारी गाड़ी आगे नहीं जाती, इसलिए पुलिस ऊपर अलाउ नहीं करती है, गाड़ी हमारी वहीं तक रहती है। और गाड़ी वहीं से साइड सीन करना पड़ता है,
फिर श्रीनगर के लिए वापस जाना पड़ता है। वहाँ से दूसरी टैक्सी करके आगे जाएं। हाँ, दूसरी टैक्सी बस, मतलब यहाँ अभी हम आए ये 1 किलोमीटर आए होंगे। हाँ, बस गगनगिर से अभी हम 1 किलोमीटर ही आ गए और यहाँ से आगे जाने के लिए दूसरी टैक्सी करनी होगी। ओके, और अभी यहाँ से कितना किलोमीटर होगा? अभी यहाँ से 8 किलोमीटर है सोनमर्ग के लिए जाना। सोनमर्ग अभी 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर आगे अभी सोनमर्ग है। और सोनमर्ग जाने के बाद क्या नज़ारा होगा वो पता नहीं, लेकिन रास्ते में इतने सुंदर सुंदर अच्छे नज़ारे हैं कि मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है। रोड है आप देखो, बिल्कुल कार ये पार्क है और रोड के बिल्कुल साथ ही रिवर जा रहा है। इस रिवर का क्या नाम है? सिंध रिवर। सिंध रिवर अमरनाथ से होते हुए आती है और काफ़ी आगे तक जाती है। सोनमर्ग आ गया हूँ और यहाँ पर भी बारिश हो रही थी, 10-15 मिनट रुके हैं, अब भी बिल्कुल हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। और यहाँ पे सबसे पहले अब मैं रेनकोट लूँगा और उसके बाद लूँगा मैं यहाँ शूज़, और यहाँ से चलेंगे बाइक से, क्योंकि बाइक जो होती है जो स्नो में बाइक चलाने वाली होती है उससे ऊपर वहाँ पर जाएंगे और वहाँ से ग्लेशियर का नज़ारा बहुत सुंदर बहुत अच्छा होता है। और जो चार्ज हैं वो अभी पता करते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। लेकिन थोड़ा सा जो मज़ा ख़राब, बारिश कर रही है, बार बार बारिश हो जाती है, अभी भी पूरे रास्ते इतना नहीं मिली, लेकिन यहाँ आने के बाद काफ़ी तेज़ हो गई थी और तेज़ बारिश की वजह से हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया, 15-20 मिनट कार में रहे, उसके बाद अब ठीक है। A few moments later. अब रेंट पे शूज़ और रेनकोट ले लिया है और जैसी रेनकोट लिया बारिश गई और हल्की हल्की धूप भी आने लगी है। और ये मैंने लिया है 3000 रुपीज़ में, जिसमें शूज़, रेनकोट और एक बाइक है जो हमको आगे तक लेकर जाएगी। आओ। But I think about you all the time. Looks like you're changing and all. स्नो बाइक से स्टार्ट हो गई है जर्नी, यहाँ से अब मैं जाऊँगा आगे। आवाज शायद थोड़ी धीरे आ रही हो क्योंकि इसकी आवाज बहुत तेज है। जन्नत कहाँ है बताओ भैया, जन्नत कहाँ है? जन्नत है तो कश्मीर में है। अगर आपको जन्नत चाहिए तो कश्मीर में आइए, अगर स्वर्ग मरने के बाद जाना है तो मरने से पहले यहाँ पर आइए। और बर्फ देखो कितनी, अप्रैल में, मतलब अप्रैल एंड ही है और अप्रैल एंड में देख लो कितना स्नो है इधर। बर्फ कितना पड़ता है यहाँ? 12 मंथ्स रहता है, 6 महीने पड़ता है सर। बार 6 महीने रहता है, 6 महीने नहीं रहता है, 6 महीने बिल्कुल ग्राउंड क्लियर हो जाता है। अभी कब तक रहेगा ये? तो 20 दिन तक रहेगा यहाँ, 20 दिन तक बर्फ रहेगा। अभी 20 दिन रहेगा, उसके बाद क्लियर हो जाएगा, क्लियर यहाँ पे, उसके बाद हम लोग 0 पॉइंट होता है। यहाँ लास्ट में ग्लेशियर रहते है सर, वो वाली रहते है। ओके, वो ग्लेशियर, वो हजारों साल का बर्फ है, वो पिघलता नहीं है सर, वो हमेशा ऐसे ही रहता है, ऐसे ही रहता है। जब वो जून जुलाई में घोड़े जाते हैं वहाँ पे, जून जुलाई में घोड़े से जा सकते हैं, घोड़े से जा सकते हैं। ओके, कितना टाइम लगता है इधर से उधर घोड़े पे जाने पे? 1 घंटे सर। 1 घंटा, 1 घंटे में वहाँ पहुँच जाते हैं ऊपर? ऊपर नहीं सर, इसे नीचे ही रहते हैं, नीचे ही रहते हैं, ऊपर कोई नहीं पहुँचता, तो ट्रैकिंग वाले रहते हैं सर। ओके, चलिए चले आगे। अभी हम एक ऐसे पॉइंट पर आ गए हैं जहाँ पे काफ़ी लोग कमाते हैं, जो काफ़ी पीछे था वहाँ पर काफ़ी उनकी शॉप थी, मैगी पॉइंट और ये सब था, लेकिन उससे काफ़ी आगे आ गए हैं। जो हमारी स्नो बाइक थी वहाँ तक उन्होंने छोड़ा थोड़ा सा, और उससे आगे फिर वहाँ के बाद इस स्लेड पे आए हैं, और ये मेरा उसी में इंक्लूड था। आप भी नीचे बात कर सकते हैं इस बारे में और इंक्लूड कर सकते हैं। आप क्लियर सारी बात पहले कर लीजिएगा, क्योंकि ऊपर आकर काफ़ी अलग बातें हो जाती हैं। जो नीचे हैं वो दूसरे बंदे रहते हैं और जो आपको लेकर आएंगे वो दूसरे रहते हैं। अगर मैं इसकी बात क्लियर करके नहीं आया होता तो इसके भी चार्ज अलग होते, तो आप आए तो ये सब चीज़ क्लियर कर ही ऊपर आना। और इस पर बैठने के बाद यार बचपना वापस आ गया, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे छोटे बच्चे बैठते हैं झूले पर और भैया इस तरह लेकर जा रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और एक ही चीज़ बोलूँगा यार, वन लाइफ, मजा मा लाइफ, एक ज़िंदगी है, इसको अच्छे से जी लीजिए, ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा। ओह
आज स्नो नहीं हो रही है तो भैया ने हमारे लिए स्नो तो कर ही दी है, और बीच बीच में ऐसे स्नो मिल रही है जो कि नेचुरल तो नहीं है, लेकिन स्नो के मजे तो ले ही सकते हैं। वूलन कैप तो सब पहनते हैं, भैया ने ये मुझे एक स्नो की कैप बना कर दी है, कह रहे हैं इसे पहन के आप फोटो क्लिक कराइए। तो चलिए फोटो क्लिक कीजिए भैया, और आप भी बताना कमेंट्स में ये जो वूलन की जगह स्नो की कैप ये मेरे ऊपर कैसी लग रही है। आप भी बनाइए, फ्रिज में बर्फ जमाइए और फिर उसके बाद ऐसे कैप बना लीजिए। दिल्ली में तो देखो फ्रिज में ही मिलेगी ऐसी कैप। से अंदाजा लगा लो बर्फ कितनी नीचे है, पूरा पैर मेरा नीचे चला गया है और निकलना मुश्किल हो रहा है, बहुत ज्यादा बर्फ है, शूज के अंदर भी चली गई। यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, और बैठे बैठे देखो मैंने क्या बना दिया। अब आप बताना कमेंट्स करके आपको अच्छा लग रहा है या नहीं। इसको घर ले जाऊं क्या? जा पाएगा ये, लेकिन पिघल जाएगा। चलो इसको बर्फ खिला देते हैं। अभी इसको और स्मार्ट बना देते हैं। हो गया स्मार्ट? लो अब और स्मार्ट बना दिया। अब इसके हाथों में ग्लव्स भी पहना दूं क्या? लो जी अब हो गया ये पूरा डैशिंग स्मार्ट। अब आप इसको मॉडलिंग कराने ले जा सकते हैं। हाय, कैसे लग रहे हो? इस कश्मीर को लोंडे को हमने दिल्ली का लोंडा बना दिया है। Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do? इधर शूज उतार दिए हैं क्योंकि बर्फ अंदर चली गई थी, और पैर बिल्कुल सुन हो गए हैं, मतलब कुछ भी कर रहा हूँ पता नहीं चल रहा है इसमें, इतने सुन हो गए हैं। सॉक्स पूरी गीली हो गई है, लेकिन व्यू नज़ारा देखो। अब यहीं बैठूंगा, अभी यहीं से मैंने स्लेड किया था, और अब यहीं पर वापस आकर हमें इधर जाना है। इधर भी काफ़ी डिक्लाइन इंक्लाइन करके काफ़ी पीछे तक जाना है, लेकिन 10-15 मिनट रेस्ट करूँगा क्योंकि पैर बिल्कुल सुन हो गए हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि पैर हैं भी या नहीं। क्या प्यारा व्यू है। Why didn't you call? So many years has gone by, but I think about you all the time. Looks like you're changing and all, but why didn't you call? Something in the air, always something in the air. बजरंगी भाईजान में जो मूवी बना हुआ था ना लास्ट वाला सीन, आर्टिफिशियल यहाँ पे बॉर्डर बनाया था इंडिया पाकिस्तान का। अच्छा, जो लास्ट में सीन था उसका, मुनि चला रहे हैं वो वहाँ पे आखिरी जो झरना है उसमें क्रॉस किया था, जो वो झरना है, झरना है ये बीच में ना, इधर से ये झरना जा रहा है जो बर्फ के कारण नहीं दिख रहा, लेकिन पास जाएंगे तो वहाँ झरना दिख रहा है, पास में दिख रहा है झरना है। इंडिया उस तरफ था, पाकिस्तान इस तरफ था, यहाँ पे शूटिंग बना हुआ था। कितना टाइम हुआ था यहाँ पर शूटिंग? वो तो कम से कम 10-15 दिन, 15 दिन बस एक सीन लास्ट वाला, लास्ट वाला सीन था यार। जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। तो चलिए दोस्तों, अब थोड़ा मैं और इन्जॉय करता हूँ जो कि ऑफ कैमरा करूँगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नया लेकर। जब तक के लिए आप पुरानी वीडियो देखिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट्स करना यहाँ पर आपको सबसे अच्छा क्या लगा, और चैनल के सपोर्ट के लिए वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नया लेकर, जब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, नीचे रेड कलर का जो लिखा हुआ है ना सब्सक्राइब, उसका कलर चेंज कर दो। About the things we used to do. No, you couldn't stand.